आपको ये बताता हूँ कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एक महीने पहले दे दी थी कि वेस्टर्न डिस्टर्ट बेंस है और साथ में जो जम्मू कश्मीर स्टेट में जो ये फरवरी का महीना होगा इसमें मोस्टली तौर पर बारिश और इसमें जो है बर्फ़बारी होगी और पिछले आप देख रहे हो कि एक हफ्ते से ये लगातार बारिश और बर्फ़बारी हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही हैं, स्नो एवलांचीज हो रही हैं, काफ़ी डेथ्स भी हो गई हैं कश्मीर डिवीज़न में, लद्दाख में, और जम्मू पुंछ जो नेशनल हाईवे है उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। यहाँ पर जो हमारा बीजी का एरिया आता है उसमें बहुत जो है हैवी स्नोफॉल हो रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ पे स्कीटिंग भी हो रही है, जो मुगल रोड है वो टोटली बंद हो चुकी है। तो लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि बिना पता किए हुए जो आप ट्रैवल मत करें और आप जो पुलिस डिपार्टमेंट का कंट्रोल रूम है उनसे रब्ता करके अपने घर से निकलें। और इसमें खसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि इस वक्त पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वार फुटिंग पर काम कर रही है, जहाँ जहाँ पर बर्फ़ हो रही पड़ रही है वहाँ पर वो उसको हटा रहे हैं, जहाँ पर जो है लैंड स्लाइडिंग हो रही है उसको जेसीबी लगा के हटा रहे हैं। तो मैं इस मौके पर जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खसूसी तौर पर लोगों का इंतज़ाम जो है भरपूर तरीके से किया है, जो उनकी बेसिक इम्यूनिटीज़ है उसको मद्देनज़र रखा है। वहां तक जो है जहां तक बिजली और पानी की बात है, बिजली इफेक्ट हुई है उसकी वजह से पानी की सप्लाई जो है डिस्टर्ब्ड हुई है, लेकिन बिजली रिस्टोर होती है जो है पानी भी आ जाएगा। जहाँ तक राशन की बात है वो जो है बिल्कुल उसमें रेगुलर जो है उसकी सप्लाई जो है लोगों तक पहुँच रही है।